अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने हैं जी तमाम लवर फैंसी ठीक ठाक होंगे तो खैरियत में होंगे। अच्छा जी आज दी वीडियो जी मैं बना लगा वा वो हैगी है डैडी इंशेल दे वाले दे नाल। कुछ कल कॉल्स आई हैं सन मनू ते जिन्होंने बार बार मनू किया जी वो डैडी इंशेल हो रहे ने। कुछ चीज़ें होंदियां ने अल्लाह के सबूत, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को प्यार दिता होंदा है, इंसान को मेहनत करनी पैंदी है। पांच अंडे आए, तीन बच्चे हैच हो गए, बाकी दो अंडे है ने असी बच्चे वेख के खुश हो गए, अंडे वाल तवज्जो नहीं की। अच्छा जी एक अंडा मेरे हाथ है ठीक है, ये इर्द गिर्द ना विठा लगिया ने, दो साइड होंगे अंडे दियाँ, एक छोटी साइड होंगी एक बड़ी साइड होंगी है। बड़ी साइड जी होंगी है शैल छिलका और अंदर एक झिली होंगी है, अगों हवा आती है, हवा छिलके अंदरों क्रॉस करती है, अगे एक झिली लगी है जो हवा को फिल्टर करके बच्चे तक लैके जाती है, बच्चा सांस लैंदा है ठीक है जी। ए इर्द गिर्द विठा मन नज़र आ रही ने ठीक है। गर्म पानी मेरे अगे पे है, यह सादी धूई है, उन्होंने मैं गर्म पानी डुबोया तो नचोड़ दिता। तो मैं कर की रहा वा कि मैं अंडे के जिते बिठा तो जो गंदा होया है ना अंडा उन साफ कर रहा हूँ ठीक है। बड़ी आहिस्तगी दे नाल स्लो स्लो काम करना, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े ही एहतियात दे नाल ठीक है। मैं हूँ ये कर रहा सर, मैं सोचा कि तुहाडे दोस्तों ने भी अपनी एक्टिविटी शेयर कर दी है, क्योंकि क्योंकि मनु यह महसूस होती है गल कि जो अंडे के इर्द गिर्द बिठा लग जाती है ना तो अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाती, तो बच्चा प्रॉपर तरीके सांस लै नहीं पैंदा, तो वह सांस बंद होने की वजह तो बच्चा एक्सपायर हो जाता। अच्छा यह साफ हो गया लेकिन अंडा गिला है, यह सुकी रूई है, बिल्कुल सुकी गिली रूई ना, साफ करने तो बाद सुकी रूई लैनी है, कॉटन ले लो टिशू ले लो कोई भी चीज़ उन्होंने साफ कर देना। यह देखो जी अंडा इस टाइम माशाल्लाह बिल्कुल साफ हो गया ठीक है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला तुहानू बहुत अच्छी ब्रिज अता फरमाए। तो यह डैड इंशेल होने की एक वजह यह भी होती है कि बच्चे दो तीन हैच हो जाते हैं तो बच्चे बिठा करते हैं तो अंडे नू दूसरे अंडिया छिलके लगते रहती है बिठा, तो वो ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पैंती, हवा अंदर जा नहीं पाती, बिठा की वजह तो अंडा टोटल कवर हो जाता है तो बच्चा अंदर डैड इन शैल हो जाता, एक्सपायर हो जाता है, मर जाता बच्चा। तो मैं तुहानू एक अपनी एक्टिविटी दसी है कि तुम कोशिश है करो कि जिस वक्त बच्चे वेखते हो ना वो अंडिया का भी ध्यान करो जो बाकी रह गए। मसलन पांच अंडे आए, दो अंडिया चो बच्चे निकल आए या तीन निकल आए, बाकी दो अंडे ठीक ने चैक किए ने लेकिन उन्होंने तो बिठा लगिया है, तो तुम उन्होंने डेली बेसिस से अंडे को साफ करना है, उन्हों मतलब कि ऐसा नहीं छड़ देना कि निकल आएगा जी बच्चा माँ आप ही कर लेगी, नहीं ऐसा नहीं करना, वो डैड इन शैल होता खतवा होता। बाकी जेड़ी मखलूक ने दुनिया च आना है अल्लाह की रजा न अल्लाह की मर्जी ना, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कि जिन्हें नहीं आना वो जो मर्जी कर ले, अल्लाह की अगर रजा नहीं गई तो उन्हें नहीं आना ठीक है जी। तो जनाब ए माशाल्लाह अंडा साफ हो गया, मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनावांगा ना पेयरिंग के उत्ते हम गल करांगे। न्यू फैंसियर जड़े है ना वो लबड़ होबी का सरमाया ने, लबड़ हो होबी की खूबसूरती ने, क्योंकि नवे लोग जो लबड़ होबी आएंगे इस शौक चाहेंगे तो उस बिजनेस डिवेलप करता जाएगा, जो नए कस्टमर आएंगे नए लोग इस होबी आएंगे ठीक है जी। मैं पेयरिंग दसांगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद न अल्लाह के फजलो करम न, जेड़े सस्ते सस्ते बर्ड लभदे ने ना कि जी सस्ता जहा बर्ड होए तो महंगा वह बर्ड निकल आए, महंगा बर्ड प्रोड्यूस होइए इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई। तो नेक्स्ट वीडियो मैं पेयरिंग के उत्ते बनावांगा, तुसीं पंजाबी लवर चैनल नू सबसक्राइब करो, पंजाबी लवर चैनल के नाल जॉइन रहो इंशाल्लाह ताला, तुसीं नेक्स्ट वीडियो वेखोगे नहायत सस्ती कीमत पर जिहड़ा बर्ड इस टाइम रुलदा पिया ऐसे जबरदस्त रिजल्ट आएंगे कि तुहाडी तबीयत खुश होएगी। बेसब्री नाल काम नहीं लैना, सबर के नाल काम लैना जिसा मैं लै आया वहाँ ठीक है। जो अल्लाह ताला तुहानू बुलंद रुतबा दिंदा ना तो तुहाडे हासदीन तुहाडे दुश्मन पहले पैदा करता है, जो दुश्मन तो हासदीन पैदा होते हैं ना यदा मतलब है अल्लाह ताला तुहानू बुलंद मुकाम पर तुहानू उच्चे मुकाम पर लैके जा रहा है, तुहानू तरक्की दे रहा है। जिस वक्त किसी इंसान को अल्लाह ताला ने तरक्की ते बुलंद मर्तबा देना होंदा ना पहले वो हासदीन पैदा करता है ठीक है, पहले वो हासदीन पैदा होते हैं वो दुश्मन पैदा होते हैं, फिर अल्लाह ताला वो हसद करते जाते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे तरक्की देता जाता है बुलंद मर्तबे देता जाता है,
जिस तरह दूसरे बिजनेसमैन पैसा कमा रहे हैं, इस तरह न्यू फैंसियर भी लवबर्ड हॉबी चाह के ए तो अच्छा रोजगार कमा सकन, इज्जतदार रोजगार कमा सकन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब नूं हिदायत अता फरमाए। ठीक है, अगर किसी की इसलाह की नीयत है ना ताड़ी कि यार ए बंदा गलत कर रहा है जी, इसलाह करनी है, तो हजरत अली का फरमान है कि अगर किसी की इसलाह करना चाहते हो, किसी की गल कोई बुरी लग रही है तो उसकी तन्हाई दे विच इसलाह करो। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।